नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आपके साथ मैं हूं संदीप। दोस्तों, दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल मंगलवार को यहां के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में दो मरीज पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर को अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जिसमें उन्हें कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया था। लेकिन दिल्ली में तो अभी तक कोरोना वायरस का कोई केस सामने ही नहीं आया, फिर इन दो मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव कैसे आ गई? खुद ये दोनों मरीज भी इस बात को लेकर हैरान परेशान थे। लेकिन फिर अस्पताल के डॉक्टर देश दीपक ने उन्हें जो बताया उसे जानने के बाद उनकी जान में जान आई। डॉक्टर ने इन मरीजों को जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको भी कोरोना वायरस को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। अगर आप आज बिना किसी डॉक्टरी सलाह के अपने मन से यूं ही कोरोना वायरस की जांच कराते हैं और रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो क्या आपको डरना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि जिस कोरोना वायरस की जांच आपने कराई है वो एक आम वायरस है, उससे डरने की कोई वजह नहीं है। दरअसल ये सारा कंफ्यूजन नाम को लेकर हो रहा है। ये वो वायरस नहीं है जो इस वक्त चीन में कहर बरपा रहा है। चीन में जो वायरस फैला हुआ है वो नया वायरस है। उसका नाम है 2019 नोवल कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर देश दीपक ने बताया कि कोरोना कोई नया वायरस नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक परिवार है जिसके कई प्रकार के वायरस हैं जो पूरी दुनिया में एक्टिव हैं। चीन वाले कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के सामने आने से पहले ही कोरोना के चार वायरस पहले से एक्टिव हैं, लेकिन ये साधारण वायरस की तरह होते हैं। इनसे आमतौर पर कोई नुकसान नहीं होता, यहां तक कि संक्रमित इंसान को भी पता नहीं चलता कि उसके शरीर में ये वायरस मौजूद है, क्योंकि इनसे निपटने में हमारा शरीर अपने आप में सक्षम होता है। ये भी जान लीजिए कि ये चार कोरोना वायरस कौन कौन से हैं। 229 ई अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस और AHQ1 बीटा कोरोना वायरस। तो अगर किसी मेडिकल रिपोर्ट में इनमें से किसी एक वायरस का जिक्र हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे आपको बता दें कि आजकल दिल्ली में ऐसे कई मामले देखे जा रहे हैं जब लोग अपने मन से किसी प्राइवेट लैब में जाके जांच कराते हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। यहां पर आपको हम ये भी बता दें कि केरल में जो तीन मरीज जो चीन के वुहान से यहां पर आए थे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक देश के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है, दिल्ली NCR में भी नहीं। और जहां तक मेडिकल जांच की बात है तो आप ये जान लें कि चीन वाले कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की पहचान दिल्ली में सिर्फ दो जगहों पर हो सकती है, पहला एम्स में और दूसरा NCDC की लैब में। ऐसे में बिना वजह ना तो अपनी आप जांच करवाइए और अगर जांच में पॉजिटिव आ भी जाए तो बिल्कुल ना डरे, परेशान बिल्कुल ना हो। पर हां, उन लोगों को जरूर अलर्ट रहने की जरूरत है जो हाल ही में चीन या किसी अन्य देश की यात्रा पर गए हों, वहां से लौटे हों। अगर आप ऐसे किसी संक्रमित इंसान से मिले हों या उस इलाके में गए हों तो अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को अपने लक्षणों पर गौर करना चाहिए, सर्दी खांसी या जुकाम होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो लोग किसी एक्टिविटी में ना रहे हों उन्हें जांच की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के शक में कुल 42 संदिग्ध मरीजों को RML अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। तो नाम को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।